भी दी जाएगी जब वह आतंकवाद से जुड़ी तालीम देना बंद करें, यह कहां तक सही है? निश्चित रूप से जो भी शैक्षणिक संस्थान है, मदरसा हो, जो भी विद्यालय हो, वो जो हमारी शिक्षा नीति है सरकार की, उसके अनुरूप जो चलेंगे उन्हें ही हम सरकारी सहायता देंगे। जो आतंकवाद की शिक्षा देंगे, जो देश विरोध की मानसिकता बनाने की कोशिश करेंगे, उनको हम किसी प्रकार की सहायता नहीं देंगे। कोशिश करेंगे तो ऐसे संस्थान पूरी तरीके से बंद। सर, ये कब से मदरसे चल रहे हैं और लगभग कितने लोग अब तक आतंकवाद की पाठ पढ़ चुके होंगे? ये आमतौर पर यह देखने को आता है कि जो भी ये वहाबी मानसिकता है, ये इन्हीं मदरसों से निकल करके और जो कट्टरवाद फैल रहा है पूरे दुनिया का, यह विचार केवल यहाँ का नहीं है, जहाँ कहीं से वो सीख रहे हैं। आज आपने देखा अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, धीरे धीरे मलेशिया में, सिंगापुर में और श्रीलंका में भी यह जो ISIS का जो वहाबी मानसिकता का है, कट्टरपंथ का है, उनकी एक पूरी कोशिश है कि दक्षिण एशिया के 200 करोड़ लोग हैं भारत को लेकर के, पूरी उनकी कोशिश है कि हम उसको पूरा एक इस्लामिक हब बनाएं। जो उनकी कोशिश कतई भी साकार होने वाली नहीं है, जब से योगी और मोदी प्रदेश और देश में राज कर रहे हैं, इस प्रकार के मानसिकता वाले लोगों को, जो लोग धर्मांतरण कराने में लिप्त थे, जाकिर नाइक जैसे लोग, उन लोगों को देश के बाहर किया गया, और जो भी षड्यंत्र उन लोगों के द्वारा चलाए जा रहे थे उन पर कठोर कार्रवाई सरकार के द्वारा की जा रही है।